हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ओपन डाइस का ट्रिक सिखाने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने डाइस रीजनिंग पे दो वीडियो बना चुका हूँ मैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके देख लीजिए या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे कहीं भी टच करो, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, आप वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हो। ये दो वीडियो देखना भूलना मत, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट उसमें क्लियर किया हूं मैंने। उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, तो फटाफट जाइए पहले दो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ओपन डाइस का टॉपिक जो है बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए आपके लिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जैसे एग्जांपल लाया हूं मैं, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और बिना कंफ्यूजन के हर एक सम को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग टाइप 1 शुरू। टाइप 1 में क्या दिया है आपको? देखिए, सारे ये ओपन डाइस दिए हैं और आपको करना क्या है, देखिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में आपको ये पता करना है कि किसके ऑपोजिट में क्या आ रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम सम करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, देखिए आप यहां पर चार, देखिए आप सारे एग्जांपल देख लीजिए, आप सारे एग्जांपल में क्या दिया है, देखिए चार बॉक्स जो है वो एक साथ दिए हैं, चार बॉक्स बोलो या चार फेस बोलो एक साथ दिया है। तो कैसे आप ऑपोजिट बता पाओगे, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए आपको ऊपर से स्टार्ट कर, देखिए यहां टू दिया है तो एक बॉक्स छोड़कर एक लेना है आपको, मतलब टू के ऑपोजिट में क्या है, टू के ऑपोजिट में फाइव है, टू के ऑपोजिट में क्या है फाइव है, और फाइव के ऑपोजिट में क्या है टू है। उसके बाद देखिए यहां पे थ्री है तो थ्री के ऑपोजिट में क्या होगा, थ्री के ऑपोजिट में एक छोड़कर होगा मतलब थ्री और फोर होगा, मतलब थ्री के ऑपोजिट में क्या है फोर है, थ्री के ऑपोजिट में क्या है फोर है। अब देखिए सिक्स और वन जो है ये तो ऑपोजिट में है ना, तो क्या होगा वन के ऑपोजिट में सिक्स होगा और सिक्स के ऑपोजिट में क्या होगा वन होगा। यही चीज फॉलो करना है आपको। देखिए यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे भी चार एक साथ दिए हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक छोड़कर एक लेना है। क्या बोल रहा हूं, एक छोड़कर एक मतलब देखिए यहां पे टू है तो टू के ऑपोजिट में एक छोड़कर एक मतलब क्या होगा, टू के जगह पे फाइव होगा, तो टू के ऑपोजिट में क्या होगा फाइव होगा और फाइव के ऑपोजिट में क्या होगा टू होगा। उसी तरह देखिए यहां थ्री दिया है तो थ्री के ऑपोजिट में क्या होगा सिक्स होगा, तो लिखूंगा यहां पर थ्री के ऑपोजिट में सिक्स होगा और सिक्स के ऑपोजिट में क्या होगा थ्री होगा, और ये दो ऑपोजिट ही है तो वन के ऑपोजिट में क्या होगा फोर होगा। तो ये चीज देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं मैं कि वन के ऑपोजिट में क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज आप रट्टा फिक्र मत कीजिए कि भाई थ्री के ऑपोजिट में सिक्स ही होगा, ऐसा नहीं समझा रहा हूं आपको मैं, ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं कि आपको लाइन से अगर चार आपको दिए फेसेस दिया जाए तो कैसे आप ऑपोजिट फेस निकालना हो वो आप कैसे पता कर पाओ, ये मैं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये रट्टा फाइट मत करना कि यही चीज होगा। अब देखिए यहां पर ये चीज दिया हुआ है, मैं अल्फाबेट इसलिए लिया हूं मैंने कि अल्फाबेट वाले सम भी आते हैं। तो देखिए M के ऑपोजिट में क्या होगा, तो एक बॉक्स छोड़कर एक ले लीजिए तो M के ऑपोजिट में क्या होगा D होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर M के ऑपोजिट में क्या होगा D होगा और D के ऑपोजिट में क्या होगा M होगा। उसके बाद N देखिए तो N मैं यहां पर रखा मैंने तो एक छोड़कर एक लेता हूं मैं तो N के ऑपोजिट में क्या होगा P होगा और P के ऑपोजिट में क्या होगा N होगा, और A और B क्या है ऑपोजिट है, तो लिख देता हूं कि A के ऑपोजिट में B है और B के ऑपोजिट में A हो गया, ये क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां पर भी देखिए एक दो तीन चार, चार जब बॉक्स चार जब फेस एक साथ दिया जाए तो ये ट्रिक यूज करना है आपको। देखिए क्या करोगे आप, फाइव के ऑपोजिट में थ्री तो आप एग्जैक्टली पता चल गया आपको, तो थ्री के ऑपोजिट में फाइव और फाइव के ऑपोजिट में थ्री हो गया। उसके बाद क्या करोगे, देखिए टू के ऑपोजिट में, ऑपोजिट मतलब विपरीत, ठीक है, तो टू के ऑपोजिट में क्या होगा फोर होगा, तो यहां पर लिखता हूं टू के ऑपोजिट में क्या होगा फोर होगा, और वन के ऑपोजिट में क्या होगा, वन के ऑपोजिट में एक छोड़कर एक लेंगे मतलब वन के ऑपोजिट में सिक्स होगा और सिक्स के ऑपोजिट में वन होगा, ये क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए इस चीज में क्या होगा, थ्री के ऑपोजिट में सिक्स तो है ही तो थ्री के ऑपोजिट में सिक्स होगा, वन के ऑपोजिट में क्या होगा एक छोड़कर एक ले लीजिए तो वन के ऑपोजिट में फोर होगा, तो वन के ऑपोजिट में फोर लिख दिया मैंने यहां पर। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहां पर फाइव, तो फाइव जो है एक छोड़कर एक होगा तो फाइव के ऑपोजिट में क्या होगा टू होगा। तो ये टाइप वन था, अब मैं टाइप टू सिखाने जा रहा हूं आपको मैं। तो चलिए दोस्तों देखिए टाइप टू सीखते हैं हम लोग। टाइप टू में क्या है, देखिए टाइप टू में देखिए तीन बॉक्स देखिए साथ में दिया है। टाइप वन में क्या सीखा आप लोगों ने, चार बॉक्स अगर एक साथ दिया जाए तो क्या करोगे आप, कैसे ऑपोजिट निकालोगे। अब क्या करना है आपको, देखिए तीन बॉक्स दिया है तो कैसे करोगे, अगर आपको टू के ऑपोजिट क्या है निकालना हो तो क्या करोगे, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। देखिए क्या होगा, देखिए टू के ऑपोजिट मुझे निकालना हो तो देखिए एक छोड़कर एक लेंगे हम लोग, तो यहां पर टू के ऑपोजिट में निकालना हो तो एक बॉक्स छोड़ दीजिए,
यहां पर 6 ले लीजिए, तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा 6 होगा, और 6 के ऑपोजिट क्या होगा 2 होगा। उसी तरह देखिए यहां पर, अब मैं ये 5 के ऑपोजिट लेने जाता हूं, तो यहां पे कुछ नहीं है, तो 5 को आप लीव कर दीजिए, 5 का भी सिखाता हूं मैं, थोड़ा देर बाद में सिखाता हूं। अब देखिए 1 का निकालना है, तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो उसके बाद देखिए एक बॉक्स छोड़ दिया मैंने, तो 1 के ऑपोजिट में क्या हो गया 4 हो गया, और 4 के ऑपोजिट में क्या हो गया 1 हो गया। अब बारी है 5 की, देखिए अब देखिए 2 के ऑपोजिट में 6 हो गया, 1 के ऑपोजिट में 4 हो गया, तो देखिए 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के ऑपोजिट हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 के ऑपोजिट क्या होगा 5 होगा। ये क्लियर हो गया। अब इसी डायग्राम को थोड़ा ऐसा कर दे अगर, तो क्या होगा देखिए यहां पर, अगर 6 के ऑपोजिट मुझे निकालना हो यहां पर, देखिए समझिए, क्योंकि क्या होगा बाद में कमेंट ऐसे करोगे कि सर आपने यहां पर 6 का ऑपोजिट यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 2 है कि नहीं है, हो सकता नहीं भी हो सकता है। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कैसे आप इसको फाइंड करोगे, तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल ना कीजिए कि 6 के ऑपोजिट में 2 ही आएगा हमेशा, 2 के ऑपोजिट में 6 ही आएगा हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सारे टाइप आपके लेके आया हूं मैं कि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं मैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं, देखिए 6 दिया है, तो 6 के ऑपोजिट में क्या होगा, 6 के ऑपोजिट में होगा एक बॉक्स छोड़कर एक ले लीजिए, तो 6 के ऑपोजिट में 2 होगा और 2 के ऑपोजिट में 6 होगा। उसी तरह देखिए 5 का निकालना हो कि 5 के ऑपोजिट में क्या है, तो 5 के ऑपोजिट में देखिए 1 दिया है, ठीक है 1 के ऑपोजिट में 5, क्लियर हो गया। जब 6 के ऑपोजिट में 2 है, 5 के ऑपोजिट में 1 है, तो देखिए 4 क्या होगा, 4 के ऑपोजिट में 3 होगा और 3 के ऑपोजिट में 4 होगा। तो ये था टाइप 2 था। अब हम लोग लास्ट टाइप सीखेंगे, टाइप 3 सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते, देखिए टाइप 3 स्टार्ट करते थे। टाइप 3 में क्या दिया देखिए यहां पर, जब दो बॉक्स एक साथ दिया जाए और आपको ऑपोजिट फेस निकालने बोले तो कैसे करोगे वो मैं सिखाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 5 के ऑपोजिट मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए एक छोड़कर एक मत लेना, मतलब 5 के ऑपोजिट 3 नहीं होगा। तब क्या करना है आपको, ध्यान रखना है कि जो नंबर का मुझे ऑपोजिट निकालना है उसके सामने देखेंगे हम लोग 6 है, तो 6 और 3 जो है साथ में दिया है, तो जो बॉक्स साथ में एक साथ के होंगे उसको छोड़कर दूसरा लेना है, मतलब 5 के ऑपोजिट क्या होगा 6 और 3 एक साथ जॉइंट है तो क्या होगा 4 होगा। यहां 4 लिख दिया मैंने यहां पर। अब क्या करेंगे देखिए यहां पर हम ध्यान देंगे, अगर मुझे 3 के ऑपोजिट निकालना हो, 3 के ऑपोजिट निकालना हो क्या करेंगे हम, देखिए ये दो साथ में चिपके हुए हैं तो ये दो को छोड़ देंगे हम लोग और क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 ले लिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, मैं यह 4 लेने जा रहा हूं, मतलब 4 के ऑपोजिट निकालने जा रहा हूं, तो 4 के ऑपोजिट देखिए यहां पर ये दोनों देखिए साथ में चिपके हुए हैं, साथ में चिपके हुए हैं तो कौन सा होगा, सीधा घूम के 5 हो जाएगा, तो आप यहां पर 5 ले सकते हो। जिससे क्या क्लियर हो गया, देखिए 5 के ऑपोजिट में 4 हो गया, 3 के ऑपोजिट में 2 और 2 के ऑपोजिट में 3, 4 के ऑपोजिट में 5 रह गया, 6 रह गया। 6 कैसे निकालेंगे देखिए, तो 6 निकालने के लिए देखिए यहां पर 6 लिखता हूं मैं यहां पर मैं, उसके क्या करेंगे देखिए 3 और 4 एक साथ चिपके हुए हैं, जॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, तो 6 के ऑपोजिट क्या होगा 1 होगा और 1 के ऑपोजिट क्या होगा 6 होगा। ये सारे टाइप क्लियर कर दिया हूं मैं। अब क्या होगा, जो सम करवाने वाला हूं आपको उसमें काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते, देखिए सबसे पहला सम आपके सामने आ चुका है। इसमें करना क्या है देखिए, ये ओपन डाइस दिया है, ठीक है, अगर इस ओपन डाइस को अगर आप एक डाइस में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब इस ओपन डाइस को अगर आप डाइस में कन्वर्ट कर लेते हो अगर, तो कौन सा डाइस पॉसिबल होगा। ड्रॉइंग खराब है टेंशन ना लीजिए, लेकिन आपको नॉलेज सही देके जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऑपोजिट फेस निकालना होगा। अगर ऑपोजिट फेस आपने निकाल लिया आपने, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने में आसानी होगी, तो ऑपोजिट फेस सिलेक्ट करते चलिए। 2 के ऑपोजिट क्या होगा, देखिए यहां पर 2 के ऑपोजिट क्या होगा, देखिए एक छोड़कर एक लिख लीजिए, तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा। उसके बाद देखिए 1 के ऑपोजिट क्या होगा, एक छोड़कर एक, मतलब 1 के ऑपोजिट क्या होगा 6 होगा, यहां लिख लेता हूं 1 के ऑपोजिट 6 होगा। उसके बाद देखिए 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहां पर लिख लिया मैंने 5 के ऑपोजिट जो है 3 होगा और 3 के ऑपोजिट 5 होगा। तो ये चीज क्या हेल्प करेगी हमारी, देखो आपको एकदम फटाफट आंसर निकल जाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए मैं इसको पकड़ता हूं, तो देखिए यहां पर 1 जो है 1 के ऑपोजिट क्या है 6 है और 3 के ऑपोजिट क्या है 5 है। देखिए 3 और 5 एक साथ दिख रहे हैं, ऑपोजिट होगा तो सामने दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या करोगे आप, ये 3 और 5 सामने दिख रहा है यहां पर, तो ये ऑप्शन जो होगा बिल्कुल गलत है। अब बी पे आ जाइए, तो बी पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर 2 के ऑपोजिट देखिए 4 है और 2 और 4 जो है सामने दिया हुआ है,
तो सामने दिया मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे हम सी देखेंगे, देखिए सी में क्या देखे हैं यहां पर, आप ध्यान दीजिए यहां पर कि 1 के ऑपोजिट 6 है, तो 1 के ऑपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, मतलब शायद ऑपोजिट हो सकता है। और एक देख लेते हैं हम लोग 4 के ऑपोजिट वाला, देखिए यहां पर 2 दिया है, तो 2 यहां पर नहीं दिख रहा है सामने, तो ऑपोजिट साइड में हो सकता है। अब देखिए यहां पर 3 दिया है, तो 3 के ऑपोजिट है 5, और 5 यहां पर दिख नहीं रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने डी तो चेक नहीं किया, डी भी हो सकता है, वो भी ट्राई कर लेते देखिए हम लोग। अब देखिए यहां पर 1 के ऑपोजिट में 6, तो यहां पर 1 और 6 तो सामने ही दिख रहा है, तो सामने दिख रहा है मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो गया। और एक सम लेते हैं हम लोग इस चीज को सीखने के लिए, तो चलिए दोस्तों और एक सम लेके आए आपके लिए। देखिए इस बार जो लेके आए आपके लिए, देखिए नंबर सिखा दिया आपको मैं, अब अल्फाबेट सिखा रहा हूं आपको मैं, क्योंकि अल्फाबेट वाले सम भी आते हैं। अब देखिए ये जो दिया है ओपन डाइस दिया है, इस ओपन डाइस को अगर आप इसको क्लोज करोगे आप, तो कौन सा डाइस बनेगा आपको ये सिलेक्ट करना है कि डाइस ए बनेगा, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको अपोजिट फेस जानना जरूरी होगा, तभी आप ये सब चीज कर सकते हो। तो अपोजिट फेस के लिए देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बी के ऑपोजिट में, बी के ऑपोजिट में क्या होगा, डी होगा। उसके बाद देखें यहां पर सी के ऑपोजिट क्या होगा, यहां पर सी लिखता हूं यहां पर मैं, तो एक छोड़कर एक लेंगे हम लोग, सी के ऑपोजिट में क्या होगा, ए हो जाएगा, तो यहां पे मैंने ए लिख लिया मैंने। उसके बाद देखिए एफ के ऑपोजिट में क्या होगा, एफ के ऑपोजिट में क्या होगा, एक छोड़कर एक, तो एफ के ऑपोजिट में जो होगा ई होगा, और ई के ऑपोजिट में क्या होगा, एफ होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते चेक करना, देखिए यहां पर एफ, देखिए एफ के ऑपोजिट में ई नहीं दिया, ठीक है, डी के ऑपोजिट में बी दिया, देखिए डी के ऑपोजिट में बी और बी के ऑपोजिट में डी, लेकिन दोनों सामने आ गए हैं तो ये ऑपोजिट हो ही नहीं सकता है, कि ऑपोजिट होगा तो साथ में तो आएगा नहीं ना, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर ये बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो बी ऑप्शन में ध्यान दोगे आप यहां पर कि ए के ऑपोजिट में देखिए सी है, और ए और सी जो है साथ में आ गए, तो ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए यहां पर ये देखिए बी, तो B के ऑपोजिट में D नहीं है, चलिए ये ठीक हो गया, लेकिन E के ऑपोजिट में F है, तो E और F साथ में कैसे आ गए, तो ये गलत हो गया। अब हम देखते हैं डी, देखते देखिए डी वाला सही है कि नहीं है, सब चेक करना जरूरी है कि हो सकता है कि चारों आंसर राइट में, तब क्या करोगे, तब ऐसा होता है कि ऐसा दिया जाए ऑप्शन के अंदर कि नन ऑप्शन दिया जाए, कि कुछ ना हो तो क्या हो, तो उसमें टिक करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं डी चेक कर लेते हैं हम लोग, देखिए एफ के ऑपोजिट में यहां पर ई दिया है, और ई कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पीछे होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डी, डी के ऑपोजिट में बी है, तो बी भी सामने नहीं आ रहा है, मतलब बी हो सकता है। अब सी के ऑपोजिट में ए है, तो ए भी नहीं दिख रहा है, मतलब जो आंसर जो है डी जो है वो परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया हूं मैंने। अब और एक सम लेते हैं हम लोग इस चीज को और बारीकी से सीखने के लिए, तो चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने ये वाला जो सम लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता चल जाएगा एंड तक। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इस जो ये जो दिया हुआ है, ये ओपन डाइस जो दिया है, इसको अगर हम लोग फोल्ड कर लेंगे तो ये चार डाइस में से कौन सा डाइस बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ऑपोजिट फेस निकालना होगा, तो ऑपोजिट फेस निकालने के लिए देखिए लिखता हूं यहां पर कि ए के ऑपोजिट में कौन सा होगा, ए के ऑपोजिट में एक छोड़कर एक ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी के ऑपोजिट में क्या है, डी के ऑपोजिट में जो होगा एफ होगा। देखिए इंपॉर्टेंट सम है, क्यों बोल रहा हूं आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और ई के ऑपोजिट में क्या है, ई के ऑपोजिट में जो है वो है सी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखिए सबसे ऑप्शन ए जो है यहां पर देखिए डी और एफ, डी और एफ साथ में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ई और सी जो है, ई और सी ऑपोजिट फेस है, और ऑपोजिट फेस जो होंगे एक साथ बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन यहां पे एक साथ दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ऑप्शन नंबर बी में बढ़ते हैं हम लोग, बी में देखिए क्या दिया, देखिए यहां पर अब डी और एफ ऑपोजिट फेस है, लेकिन डी और एफ जो है इसमें साथ में दिया है, मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन, देखेंगे ए के ऑपोजिट में बी है, देखिए ए और बी साथ में नहीं आ रहा है, D के ऑपोजिट में F है, D और F कहीं भी साथ में नहीं आ रहे, E के ऑपोजिट में C है, और C के ऑपोजिट में E है, तो C के ऑपोजिट E है, तो C और E एक साथ नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, ये C ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। D भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, देखें यहां पर A के ऑपोजिट में यहां पर B है, और B यहां पर बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब A और B ऑपोजिट है। अब देखिए D के ऑपोजिट में F है, तो यहां पर F है और D नहीं है, मतलब वो ऑपोजिट साइड में हो सकता है। उसी तरह से देखिए C दिया है और C के ऑपोजिट में E है, तो E यहां पर नहीं
नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन डी भी है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये सम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। कभी कभार ऐसा भी होता है कोई सम में दोनों ऑप्शन राइट हो जाता है, उससे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और पेपर छोड़ के आ जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन गलत नहीं हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सी और डी जो है वो दोनों आंसर इसमें राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हर एक कंसेप्ट लेकर की कोशिश किया हूं मैंने, अगर कोई चीज छूट गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, और जितना हो सके मेरे वीडियोस को हर एक लोगों से शेयर करते रहिए। क्योंकि देखिए, किसी को नीड होगी, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है, किसी के अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपके पास ये कोई हेल्प मांगने नहीं आएंगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि जरूरतमंद को ये काम आ जाएगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।